नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल आर्मी का जन्म कैसे हुआ। आज की डेट में जो हमारी ग्रेट इंडियन नेशनल आर्मी है, दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी और ताकतवर फोर्स है, ये कैसे ऑरिजिनेट हुई, कैसे इसको बनाया गया, किस किस ने इसको शुरू में लीड किया और उसके बाद इसका रोल क्या था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में, तो ये हम पूरा देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। सुभाष चंद्र बोस जी का भी इसमें क्या रोल था, और भी लीडर्स थे, राज बिहारी बोस जी थे, मोहन सिंह थे, इनका सब क्या रोल था, इसकी सब कुछ देखेंगे। तो ये मैं आपके लिए लेके आया फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है मेरी, उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखिए, पहले में दो वर्जन थे इंडियन नेशनल आर्मी के। पहला फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी बनी जो कि मोहन सिंह के अंदर बनी थी, और जो उसका सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी जो रिवाइव हुई थी वो हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में। तो सबसे पहले शुरुआत से एकदम देख रहे हैं तो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपने पर्ल हार्बर मूवी देखी होगी, हवाई में आइलैंड है ये पर्ल हार्बर नाम का। वहां पे 7 दिसंबर 1941 को एक जापान ने एक सरप्राइज अटैक किया अमेरिकन एयरवेज पे। इस पे एक पर्ल हार्बर नाम की मूवी भी बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, इस मूवी को जरूर देखें, आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से भी अच्छी लगेगी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसमें है ही। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सी कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, जापान उन सारी कॉलोनीज को अटैक कर रहा था, धीरे धीरे करके उन पर कब्जा कर रहा था, और ऑलमोस्ट पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे जापान का कब्जा हो गया था कुछ हफ्तों में इसी 1941 के अराउंड में। फिर क्या किया जापान ने, अपना एक IGHQ इंपीरियल जनरल हेडक्वार्टर बनाया बैंकॉक में, उसका नाम रखा गया F-Kikan। उस हेडक्वार्टर्स का नाम रखा इन्होंने F-Kikan, जिसका फुल फॉर्म था फ्यूजीवारा किकान। उस फ्यूजीवारा किकान को कौन लीड कर रहा था, मेजर फ्यूजीवारा इवाइचे लीड कर रहे थे। ये जापान की चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ 15th आर्मी थे, ये आपकी फ्यूजीवारा इवाइची F-Kikan नाम का एक हेडक्वार्टर बनाया था बैंकॉक में। अब इस F-Kikan जो हेडक्वार्टर था, इसका काम क्या था, इंटेलिजेंस गैदरिंग थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा, पूरे दम पे है, जापान जर्मनी की साइड से, जापान उस समय तक काफ़ी एडवांस था, ठीक है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए आज भी जाना जाता, उस समय पे भी बाकी कंट्री से एडवांस था वो, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जाना, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था वो। तो F-Kikan का काम था इंटेलिजेंस गैदरिंग करो। फिर उस समय पे क्या था फ्रेंड्स कि देखिए, बहुत सारी कंट्रीज में इंग्लैंड का राज था, तो उन कंट्रीज में इंग्लैंड के खिलाफ जंग ऑलरेडी छिड़ चुकी थी, ठीक है, कि भैया हमको आज़ादी दो। उस समय पे इंग्लैंड को खदेड़ दिया जापान ने, जापान के कब्जे में आ गया। तो अब जापान का काम ये था, उससे बोला गया इस F-Kikan को कि चाइना में, इंडिया में, मलेशिया में आप दोस्त ढूंढिए जापान के, जो जापान की मदद करें इंग्लैंड के खिलाफ वॉर में, और इंग्लैंड के खिलाफ मदद करेंगे तो इंग्लैंड की जो पूरी ग्रुपिंग थी फ्रांस USA इनके खिलाफ और जापान जर्मनी के फेवर में, तो ये काम दिया गया। तो इस F-Kikan का काम था, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लोगों से भी इसने बात की, चाइनीज से भी बात की, मलेशियन सुल्तान से भी बात की, तो ये सब हो रहा था। अब वहां पे एक पर्सन थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, ठीक है। ये जो ज्ञानी प्रीतम सिंह थे, ये मिले फ्यूजीवारा इवाइची से, जो कि हेड थे F-Kikan के। तो फ्यूजीवारा ने इनको कन्विंस किया ताकि ये मोहन सिंह को कन्विंस करें। मोहन सिंह एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, और इनको बोला गया कि ये मोहन सिंह की कमांड में एक इंडियन आर्मी बनाई जाएगी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर में बनके बनी थी। अब देखिए, सिंगापुर में और साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सी कंट्रीज में बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश आर्मी के, और वो सोल्जर्स थे कहाँ के, इंडियन सोल्जर्स थे जिनको वहाँ पर तैनात कर रखा था। अब जब ब्रिटिशर्स और जापान के बीच में लड़ाई हुई, जापान जीत गया, इंडिया वाले हार गए, तो उसमें हुआ ये कि ब्रिटिश तो भाग गए, तो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स वहीं रह गए जिन्होंने जापान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो वो हो गए प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो जापान ने बोला कि इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आप मिलाइए, इनको एक इंडियन ऑफिसर की कमांड के अंदर रखिए, और ऐसे बहुत से ऑफिसर्स थे उसमें, लगभग 40,000 ऑफिसर्स थे वहां पे, तो इनको एक इंडियन ऑफिसर की कमांड में रखिए, और वो इंडियन ऑफिसर कौन था, मोहन सिंह। तो ये जो 40,000 सोल्जर्स जो कि ब्रिटेन और जापान के वार के बाद जापान के सामने एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जमा हो गए थे, ब्रिटेन भाग चुका था, इनको फिर से मोबिलाइज किया गया, ठीक है, और इनको मोहन सिंह के कमांड के अंदर रखा गया, और इनको नाम दे दिया गया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस तरीके से पहली इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म हुई फ्रेंड्स, इन सारे सोल्जर्स को उठा के एक कॉमन कमांडर मोहन सिंह के अंडर में रख दिया गया। अब देखिए, ये जो ज्ञानी प्रीतम सिंह थे,
ये आपके गधर आइट थे। गधर मूवमेंट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आप जाके गधर मूवमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। ये गुरबख्श सिंह ढिल्लों के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अब गुरबख्श सिंह ढिल्लों का इंडियन नेशनल आर्मी से बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हुआ है। इंडियन नेशनल आर्मी जब ट्रायल आएंगे ना, जब ट्रायल्स होंगे, रेड फोर्ट ट्रायल्स जिनको बोलते हैं, वहाँ पे भी इनके बारे में बातचीत होगी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के बहुत प्रोमिनेंट मेंबर रहे थे ये ढिल्लों जी, ठीक है। ज्ञानी प्रीतम सिंह, जिनसे फ्यूजीवारा जनरल ने बात की थी मोहन सिंह को कन्विंस करने के लिए, ये बहुत बड़े गधराइट थे। तो गधर मूवमेंट को भी बता चुका है, नीचे लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मोहन सिंह की कमांड के अंदर आर्मी तो बन गई इंडियन नेशनल आर्मी। कुछ दिन तक ये जो फ्यूजीवारा किकान था, ठीक है, जो वो कहते हैं ना इंपीरियल जो हेडक्वार्टर्स थे जापानीज के, इसके साथ मोहन सिंह का एंगेजमेंट कुछ दिन तक तो अच्छा रहा, पर लेकिन धीरे धीरे रिफ्ट आने लगा मोहन सिंह के बीच में फ्यूजीवारा किकान के बीच में। क्यों? क्योंकि मोहन सिंह अब फ्यूजीवारा किकान और जो बाकी जापानीज ऑफिसर्स थे, वो ऑफिसर्स के जो रियल एम थे उनका इनको मोहन सिंह को पता चलने लगा था। देखिए बात ये थी फ्रेंड्स कि मोहन सिंह इंडियन सोल्जर्स को लीड कर रहे थे, तो मोहन सिंह को ये एश्योरेंस दी गई थी कि आपकी एक अलग आर्मी है और आपकी एक अलग इंडिपेंडेंस अलग इंडिपेंडेंट आर्मी है जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएगी, ठीक है। लेकिन जापानीज ने अब तक उस आर्मी को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया था, तो मोहन सिंह को इस बात का गुस्सा था कि जब आपने हमको एक इंडिपेंडेंट आर्मी बोल रहा है, इंडिया की इंडिपेंडेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, तो आप हमको वो रिकॉग्निशन तो दीजिए, लेकिन रिकॉग्निशन जापानीज दे नहीं रहे थे। तो मोहन सिंह को पता चल गया था कि जो जापानीज की जो मेरे कमांड के अंदर उन्होंने 40,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर से इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी बनाई है ना, ये सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि ये जापानीज आर्मी के साथ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरी जगहों को जीतने में, बस यही रीजन है। ये हमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते, हमें कोई अलग से रिकॉग्निशन ये नहीं देना चाहते, ये बात मोहन सिंह को लग गई पता, ठीक है। और मोहन सिंह का हो गया जापानीज आर्ग्यूमेंट से मतलब बंद सी गई, एक जापानीज जो मेजर थे उस समय पे उसके साथ मोहन सिंह की बनी नहीं। लेकिन अब जापानीज तो स्ट्रांग थे, मोहन सिंह के पास जो भी आर्मी थी वो तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर से बनी हुई थी ना, मोहन सिंह कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव तो थे नहीं किसी कंट्री के, ना ही उनके पास इतनी पावर थी, वो भी एक तरीके से प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही थे, लेकिन उनके अंदर आर्मी बन गई थी। अब वो ऑफिशियल रिकॉग्निशन चाह रहे थे जो जापान दे नहीं रहा था, प्लस उनको लग गया था कि जापान वाले हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जब इनके और जापानीज गवर्नमेंट के बीच में बनी नहीं, तो मोहन सिंह को उनकी पोस्ट से 29 दिसंबर 1942 को हटा दिया गया। अब प्रॉब्लम शुरू हुई। उस समय तक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बन चुकी थी, राज बिहारी बोस एसोसिएटेड थे इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के थ्रू, और एक दो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उस 1942 में, तो शायद मार्च अप्रैल के टाइम पे हुई थी, एक जून के टाइम पे हुई थी। तो जून 1942 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नाम था बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, और इस बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के अंदर में बोला गया कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है ना, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर में काम करेगी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी विल फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो कुछ भी कमांड देगा इस इंडियन नेशनल आर्मी को वही होगा। और इस बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने जापानीज के सामने 34 पॉइंट रखे थे, ठीक है, और बोला था कि जापानीज आप ये 34 के 34 पॉइंट पे आप रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। अब उसमें साफ साफ ये बोला गया था उन 34 पॉइंट में जो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1942 में, जापानी से कहा गया था कि सबसे पहले जापानीज आप इंडियन नेशनल आर्मी को एक इंडिपेंडेंट आर्मी प्रोक्लेम करेंगे, इंडिया को आप एक इंडिपेंडेंट नेशन प्रोक्लेम करेंगे, और इंडिया ये जो इंडिपेंडेंट नेशन है इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और गार्जियन किसे आप प्रोक्लेम करेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। तो ये सारी डिमांड जापानीज गवर्नमेंट के सामने रखी गई, पर जापानीज गवर्नमेंट ने इनको माना नहीं, इसलिए मोहन सिंह से बनी नहीं जापान वालों की, और 29 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह को उनकी पोजीशन से हटा दिया जापान ने और उनको अरेस्ट कर लिया। तो फर्स्ट नेशनल आर्मी की जो लीडरशिप थी ना वो थोड़ी गड़बड़ा गई इस टाइम तक, ठीक है। बहुत सारी लीडरशिप ने इस समय इंडियन नेशनल आर्मी की रिजाइन कर दिया, हालांकि राज बिहारी बोस ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर, वो टिके रहे अपनी जगह पे, उन्होंने किसी तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी को यूनाइट रखा दिसंबर 1942 के पीरियड से लेके फरवरी 1943 तक, क्योंकि दिसंबर 1942 में मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था, बाकी सारे लीडर्स इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप छोड़ चुके थे, लेकिन राज बिहारी बोस टिके रहे और फरवरी 1943 तक उन्होंने आर्मी को संभाल के रखा। 15 फरवरी 1943 को आर्मी को पुट कर दिया गया किसकी कमांड में, लेफ्टिनेंट कर्नल एमजेड कियानी की कमांड में, लेफ्टिनेंट कर्नल नवाज खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गया, पीके सहगल मिलिट्री सेक्रेटरी बन गया।
ये सारे नाम जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल जब होंगे ना इंडियन नेशनल आर्मी के रेड फोर्ट में, ये बहुत से नाम इसमें से आपके सामने आएंगे। अब थोड़ा इंडिया में आते हैं। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चुका था, जहां पे सुभाष चंद्र बोस ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर दिया था। इस त्रिपुरी सेशन पे मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। 1939 में हुआ था ये त्रिपुरी सेशन, 1938 में हुआ था हरिपुरा सेशन, फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और सुभाष चंद्र बोस जी इंडिया छोड़ के चले गए थे। सब कुछ मैं बना चुका हूँ वीडियो में अलग से, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो जब उन्होंने एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर दिया बोस जी ने, उसके दिन उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर इनकी जो भी एक्टिविटीज थी उसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, और उनके घर में एज अ हाउस अरेस्ट रख दिया। चूंकि वहां पे जेल में इन्होंने जब ये अरेस्ट किया गया इनको अपनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक्टिविटीज की वजह से, तो उन्होंने जेल में कर दी हंगर स्ट्राइक शुरू। हंगर स्ट्राइक की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि कहीं ये मर ना जाए इस डर से, और कहीं अगर ये जेल में मर जाते तो लोग बवाल मचा देते सड़कों पर, इसलिए इनको छोड़ के हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। हाउस अरेस्ट को इवेट करके जनवरी 1941 में भाग गए और काबिल के रास्ते बर्लिन जर्मनी पहुंच गए। बर्लिन में कहते हैं कि फ्यूरर एडोल्फ हिटलर से मिले। एक मूवी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, श्याम बेनेगल जी ने बनाई है, इस मूवी को जरूर देखें। इंटरटेनमेंट पर्पज के से भी, इन्फॉर्मेशन के पर्पज से भी, ये आपको बहुत पसंद आएगी। एडोल्फ हिटलर के साथ बात हुई। एडोल्फ हिटलर ने सीधे सीधे इंडिया की वॉर में मदद करने से मना कर दिया, इंडिया की फेवर में जाने से, तो फिर कुछ बात वहां बनी नहीं। तो एक सबमरीन में जर्मनी में बैठ के फिर ये जापान की तरफ चले, तो ये जापान आ रहे थे सबमरीन में। और वो जो जर्नी थी ना, देखिए इनकी इंडिया से काबुल होते हुए जो जर्मनी की जर्नी थी वो भी बहुत खतरनाक थी, और जर्मनी से जापान की जर्नी थी वो तो और ही खतरनाक थी। इनको एक सबमरीन में बैठाया गया, और उस समय आप सोचिए फ्रेंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, इतने सारी अंडरग्राउंड माइन मिसाइल सब कुछ छोड़ी जा रही थी, किसी भी समय अटैक हो सकता था। तो उतने खतरनाक माहौल में ये सबमरीन के थ्रू पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट पास, अफ्रीका का पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट पास करते हुए नीचे साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे। केप ऑफ गुड होप से फिर ये इंडिया की तरफ चले, तो मदागास्कर के साउथ ईस्ट में वो सबमरीन ऊपर आई जर्मनी वाली, वहां पे जापानी सबमरीन से मिले, फिर उस जर्मन बीच समुंदर में इन्होंने पार किया, जर्मनी सबमरीन से जापानी वाली सबमरीन में गए, और फिर कैसे तैसे करते करते जून 1943 में कैसे भी जापान पहुंच गए। फ्रेंड्स ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, सुनने में जितनी आसान लग रही है रियल में उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। इस पे कई किताबें तक लिखी जा चुकी हैं, ठीक है। पर ये जापान पहुंच के जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इनको पूरा सपोर्ट देने को बोला, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर को पहली इंडिपेंडेंस जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी उसके जो टूट जाने की वजह से जापान को भी लगा कि अगर पूरी तरीके से इंडिया के सोल्जर्स को शामिल करना है तो थोड़ा बहुत उनको राइट्स और मदद देनी पड़ेगी। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने पूरी वो दी कि हाँ हाँ हम आपको पूरा कंट्रोल देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। और जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस लीडर बन गए इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के और इंडियन नेशनल आर्मी के, और उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया आज़ाद हिंद फौज, फ्री इंडियन गवर्नमेंट। और उसके बाद बोस ने बोला कमांड, ये देखिए याद करिए इसको, तो सुने होगा, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से निकलो, दिल्ली चलो, और दिल्ली जाके हम अपने राज को स्थापित करेंगे, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर खदेड़ देंगे। ये था दिल्ली चलो का मतलब। आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लॉन्च एंड कंडक्ट द स्ट्रगल दैट विल ब्रिंग अबाउट द एक्सपल्शन ऑफ ब्रिटिश एंड ऑफ अदर अलाइज फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया। यानी जितना भी ब्रिटिशर्स का राज है इंडिया पे और उनके जो दूसरे अलाइज का राज है उनको उखाड़ फेंकेगा हम इंडिया से, ये आजाद हिंद फौज का ऑब्जेक्टिव था। और आजाद हिंद फौज को एड्रेस करते हुए उसने क्या कहा, वी हैव अ ग्रिप फाइट एहड अस फॉर द एनिमी इज पावरफुल अनस्क्रपुलस एंड रथलेस इन दिस फाइनल मार्च टू फ्रीडम यू विल हैव टू फेस हंगर deprivation, forced marches and death. Only you will, when you pass this test, freedom will be yours. उन्होंने बोला ये जो लड़ाई चल रही है हमारी दुश्मन के अगेंस्ट, दुश्मन यहाँ ब्रिटेन है, तो दुश्मन बहुत पावरफुल है, बहुत क्रूअल है, रथलेस है, अच्छा नहीं है, और जब हम ये फ्रीडम की तरफ अपना मार्च शुरू करेंगे ना, फाइनल मार्च बोला, फाइनल मार्च मतलब कि इसमें तो हम जीतना ही है, हमें तो हमको भूख का सामना करना पड़ेगा, अपनों से पिछड़ने का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, डेथ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इन सारे टेस्ट को पास करते हुए आगे चढ़ेंगे तो आखिर में हमको आज़ादी मिलेगी ही मिलेगी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के एक्सपेडिशन शुरू हो चुके थे। मई 1944 तक आज़ाद हिंद फौज ने नागा हिल्स में कोहिमा
पे अपना कब्जा कर लिया था और वहाँ पे उन्होंने अपना तिरंगा फहरा दिया इंडिपेंडेंस का इंडियन सॉइल पे। तो नागालैंड हिल्स पे कोहिमा कब्जा करके इंडियन सॉइल पे अपना तिरंगा फैलाया आज़ाद हिंद फौज में। फिर कुछ फोर्सेज आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की इम्फाल की तरफ निकल पड़ी। और जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो जो ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया में और वहाँ पे लोगों में सबके बीच में इंडियन नेशनल आर्मी के एक्सपेडिशंस की खबरें पहुँच रही थी। लोग इनसे बहुत इंस्पायर हो रहे थे, लोग देख रहे थे कि हमारे साथी हैं, हमारे फेलोमेट्स हैं, हमारे देशवासी हैं जो इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा बन के हमको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पास आ रहे थे। तो लोगों के अंदर एक जुनून सा आ गया था, आक्रोश सा आ गया था। और इंडिया में भी इनको देख के बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ब्रिटेन के अगेंस्ट शुरू हो चुकी थी उस समय पर, क्योंकि लोगों के अंदर ये उम्मीद जग गई थी कि एक इंडियन नेशनल आर्मी आ रही है हमें आज़ाद कराने के लिए। अब इसमें एक खास बात और हुई इंडियन नेशनल आर्मी की कि एक ऑल वुमेन रेजिमेंट बनाई गई जिसको रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी बोलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी ये तो आपको पता ही है, 1857 के रिवॉल्ट की बहुत बड़ी योद्धा थी ये। तो ये जो रेजिमेंट बनी थी वुमेन्स रेजिमेंट, इसकी कैप्टन थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। और ये पहली ऐसी रेजिमेंट थी पूरे एशिया में जो कि ऑल वुमेन रेजिमेंट थी किसी भी आर्मी में, क्योंकि ये 1943-44 का समय है फ्रेंड्स। उस समय पे वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं हुआ करती थी पूरी दुनिया में, तो उस समय पे एक ऑल वुमेन रेजिमेंट बनाना बड़ी बात थी। फिर 4 जुलाई 1944 में जब बर्मा पहुंच गए सुभाष चंद्र बोस जी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा में पहुंच के एक नारा दिया, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही बड़ा नारा था। जब ये नारा दिया गया ना फ्रेंड्स, तो लोग एकदम आक्रोश में आ गए थे। बर्मा में पहुंच के सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, लोग पूरे दम से सोचिए इंडियन नेशनल आर्मी जब लड़ रही थी ना, उनके पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं थी। जब उनके किसी साथी को चोट लग जाती थी, उसको क्योर करने के लिए उनके पास दवाइयाँ नहीं थी, ठीक से खाने, मतलब उनकी जो बेसिक एनिमिटीज़ होती है ना आर्मी की मिलिट्री की, वो भी उनके पास नहीं थी। उसके बाद भी जब वो इतना इंस्पायर थे, तो सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर ही उनको इंस्पायर कर सकता है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स ही उनको इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें की इस इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज ने, और जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसने अपने करेंसी बनाई, अपने पोस्टेज स्टैम्प बनाए, अपना कोर्ट और सिविल कोड बनाया, और इन सबको किस बहुत सी कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज भी किया, जर्मनी, जापान, इटली, क्रोटिया, यानी उन कंट्रीज में जो कि उस समय, देखिए उस समय ग्रुपिंग बनी हुई थी, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब एक साइड पे थे, दूसरी साइड पे कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ऑब्वियसली बात है ये लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनकी करेंसी, पोस्टेज स्टैम्प, कोर्ट और सिविल कोर्ट को कौन सी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करेंगी जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रही है वर्ल्ड वॉर टू में, जो कि है जर्मनी, जापान, इटली, यही सब चीज़ें, ये सब कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया। फिर जापानीज और इंडियन नेशनल आर्मी ने मिलकर अटैक किया और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी कैप्चर कर लिया 1944 में, और उनको शहीद और स्वराज आइलैंड नाम दिया गया अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। लेकिन फ्रेंड्स बात ये थी ना कि इन द स्टार्ट ऑफ 1944 सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान निकोबार गए थे, और उनकी एक ही विजिट हुई थी अंडमान निकोबार में, तो उनको लोकल से काफ़ी दूर रखा गया, क्योंकि जापानीज आर्मी ने वहाँ पे जाके लोकल्स को टॉर्चर करना शुरू किया। देखिए जापानीज का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव था, जापानीज कभी इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दिलाना चाहते थे, वो खुद का अपना कब्जा बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो भी कोलोनियलिज्म को फॉलो कर रहे थे, वो भी एक इंपीरियलिस्टिक कंट्री थी, ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी जापान। तो वो इंडियन नेशनल आर्मी का फ़ायदा उठा के इंडिया में घुस के इंडिया वालों पे ही कब्जा करना चाहते थे, ये उनके हिडन ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके बारे में 100% सबको पता था, इवन सुभाष चंद्र बोस जी को भी पता होगा। लेकिन बोस जी भी जानते थे कि इस समय पे बेस्ट तरीका यही आगे बढ़ने का, ठीक है कम से कम एक दुश्मन को तो खदेड़ो, बैठे रहोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस जी जब अंडमान निकोबार पहुंचे तो वहां पे लोकल्स से उनको मिलने नहीं दिया गया। बहुत सारे लोकल्स ने कोशिश की कि वो सुभाष चंद्र बोस जी से मिले और बताएं ये जापानीज उनके खिलाफ क्या अत्याचार कर रहे हैं, क्या अत्याचार नहीं कर रहे हैं, पर किसी भी जापानीज ने उनको किसी भी लोकल से मिलने नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस जी को। एक ही बार गए थे वो 1944 में अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। फिर क्या हुआ कि इंडिया का मेन लैंड जो धरती है वहां पे एक इंडिया का तिरंगा फैलाया गया, और वो तिरंगा एक्चुअली में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो झंडा था उसके पर ही बेस था थोड़ा थोड़ा। तो पहली बार ये झंडा फैलाया गया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मणिपुर में मोयरांग नाम की जगह है, वहाँ पे झंडा फहराया इंडियन नेशनल आर्मी पे। फिर उसके आसपास की जो जगहें थी कोहिमा, इम्फाल, क्योंकि उस तरफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से ही अटैक कर रही थी ये इंडियन नेशनल आर्मी, तो इनको थोड़ा थोड़ा घेरा जापानीज आर्मी ने। फिर थोड़ा बहुत बर्मीज इंडिपेंडेंस आर्मी भी इनके साथ मिल गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी की मदद भी इनको मिल रही थी, तो सब कंबाइंड करके अटैक कर रहे थे इन पे। बर्मा ऑलरेडी इनके कब्जे में आ चुका था, ठीक है, तो धीरे धीरे करके इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे।
इंडियन नेशनल आर्मी की भी ब्रिगेड्स थी इनमें, जिनका नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। तो इस तरीके से अटैक चालू था, ठीक है। मोयरंग मणिपुर में ये कब्जा कर चुके थे, कोहिमा इम्फाल की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। तो ये जो मोयरंग नाम की जगह है ये इसलिए भी फेमस है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे देश के जो पहले प्रेसिडेंट हैं, जो कि जिन्होंने मोयरंग मेमोरियल को विजिट किया है, वो है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं। इन्होंने मोयरंग मेमोरियल को विजिट किया, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा भी है, इंडियन नेशनल आर्मी का मेमोरियल है, म्यूजियम है मोयरंग में। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाइएगा। फिर धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस लीड करते वक्त अपना रेडियो पे एड्रेस करते थे लोगों को, तो 6 जुलाई 1944 को उन्होंने फिर से आज़ाद हिंद रेडियो पे एक स्पीच ब्रॉडकास्ट की सिंगापुर से, और उसमें उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन प्रोक्लेम किया और उनका आशीर्वाद और गुड विशेष मांगी इस वॉर में जो कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। फिर फाइनली हुआ ये कि धीरे धीरे करके जो जापानीज़ फोर्सेज और इंडियन नेशनल आर्मी की फोर्सेज थी ना जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ये धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत हारने लगी फ्रेंड्स, ठीक है। और फाइनली हुआ ये कि जब जापान और जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू हार गए ना, तो इनका जो एक्सपेडिशन था, इनकी जो मार्च थी ना, वो भी ख़त्म हो गई। जैसे ही जापान हारा, जर्मनी हारा, इन्होंने सरेंडर किया, तो यही सपोर्ट दे रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी को, उनके मदद के बिना इंडियन नेशनल आर्मी नहीं टिक पाई, इंडियन नेशनल आर्मी के कैडर्स ने भी सरेंडर कर दिया। उसके बाद बहुत से लोग थे उसमें सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स भाग गए, बहुत सारे सोल्जर्स नॉर्मल पब्लिक से मिल गए, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स पकड़ लिए गए। लगभग 16,000 सोल्जर्स को पकड़ के वापस शिपों में भरकर इंडिया लेके आया गया, और फिर उनके ऑफिसर्स का एक ट्रायल हुआ इंडिया में, जो कि शुरू हुआ, फर्स्ट ट्रायल हुआ, उसमें सेकेंड ट्रायल हुआ, थर्ड ट्रायल हुआ। तो उसमें एक ट्रायल बोलते हैं रेड फोर्ट ट्रायल, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल बोलते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनके पकड़े जाने के बाद ट्रायल हुआ, तो ये था पूरा इंडियन नेशनल आर्मी का बनना, कैसे ये आगे आई, इसकी लीडरशिप क्या क्या थी अलग अलग टाइम पे, सब कुछ मैंने बताया फ्रेंड्स इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ गलत है, कुछ डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।